इस बार दिवाली में खुशियां तो आएगी पर सिर्फ मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बार तो दिवाली पे डबल सेलिब्रेशन है। अरे इस घर को इसकी बहू मिल रही है। अच्छा शिव सुनो, जाकर अभी सो जाओ और दवाई मत भूलना। डन चाची। कांग्रेचुलेशंस, सच में मैं बहुत खुश हूं। शिव ने कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस क्यों दिए? नहीं मां, शिव ने सिर्फ कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस नहीं दिया है, हम सबको दिया है। और वैसे भी शिव की शादी तो हम सबको बधाई देने वाली बात ही है, सिर्फ शिव की पत्नी थोड़ी आने वाली है, आपकी बहू, मेरी बहू, हम सबकी बहू आने वाली है, कीर्तन की भाभी आने वाली है, तो हम सबको कांग्रेचुलेशंस। हमें पता था कि शिव मान जाएगा। माँ, मैंने शिव को पिछले 6 सालों में कभी इतना खुश नहीं देखा। बिल्कुल भैया सही बोल रहे हैं। रघुनाथ, 6 साल पहले हुए उस मनहूस हादसे के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा, अब से आगे की बात करेंगे। अम्मा ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब खुद की ही शादी में कौन इतना खुश होता है? वही जो बहुत सालों से अकेला रहा है। हाँ पर छोटी मामी, दीदी प्लीज, अब जो मैं कहने जा रही हूं ना उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह लेती हूँ। आई एम सॉरी, पर आप प्लीज प्लीज मेरे शिव की खुशियों पर नजर मत लगाइए ना। उसके रंग को भंग क्यों करना चाह रही है आप जानती है ना कि शिव कैसा है, बच्चे जैसा है वो, कोई तोल मोल करके वो खुश होना नहीं जानता, उसके दिल में जो होता है वही उसके चेहरे पे भी होता है, उसे तो दुनियादारी का कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल भोला है वो, भोला भंडारी। आप बिना पद्मा दीदी सच में। मॉम का तो फुल ओवर एक्टिंग मोड स्टार्ट हो गया, अब देखना कोई ना कोई बहुत जल्द ओवर एंड आउट होने वाला है। कुछ ज्यादा ही शिव स्तुति गा रही हैं, मतलब इनका मेंटली डांड ऑफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस बार दिवाली में खुशियां तो आएगी पर सिर्फ मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।